श्रीदेवी ने ठुकराई फिल्म, फिर माधुरी दीक्षित ने लपक लिया रोल। ब्लॉकबस्टर ने 32 साल पहले बना दिया था स्टार। माधुरी दीक्षित 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि माधुरी दीक्षित के स्टार बनने के पीछे श्रीदेवी का बड़ा हाथ है। उन्होंने लगभग 3 दशक पहले एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिजेक्ट किया था, जिसके बाद माधुरी दीक्षित की किस्मत चमक उठी थी। लगभग 32 साल पहले एक ऐसी फैमिली ड्रामा फिल्म बनकर रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई कर मेकर्स को मालामाल कर दिया था। खास बात यह है कि फिल्म की सक्सेस ने माधुरी दीक्षित को भी स्टार बना दिया था। हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है बेटा। फैमिली ड्रामा फिल्म बेटा साल 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित ने लीड रोल निभाया था, वहीं अरुणा ईरानी अहम किरदार में नजर आई थी। दरअसल उनका मूवी में नेगेटिव रोल था, जिसे करने के लिए कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं हो रही थी। बेटा तमिल की हिट फिल्म एग्ना चाइना रासा का हिंदी रीमेक था, जिसमें के भाग्यराज, राधा और सी आर सरस्वती ने काम किया था। क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए पहली चॉइस माधुरी दीक्षित नहीं बल्कि श्रीदेवी थी। शुरुआत में बेटा फिल्म को बोनी कपूर बना रहे थे। उन्होंने फीमेल लीड का रोल सबसे पहले श्रीदेवी को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फिल्म के राइटर्स फिल्म मेकर इंद्र कुमार ने ले लिए थे। इंद्र कुमार ने बेटा के लिए अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को कास्ट किया। इस फिल्म की सक्सेस ने माधुरी दीक्षित को स्टार बनाने का काम किया था। बेटा फिल्म में अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री छा गई थी। फिल्म के लिए कास्टिंग के दौरान एक बड़ा पेंच फंस गया था। दरअसल सरस्वती के किरदार के लिए कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि यह नेगेटिव रोल था। वाहिदा रहमान, शर्मिला टैगोर और माला सिंह के पास ऑफर गया, लेकिन सभी ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद इंद्र कुमार ने सरस्वती के रोल के लिए अपनी बहन अरुणा ईरानी से बात की और वह तुरंत तैयार हो गई। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की बेटा रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। फिल्म ने उस जमाने में 23 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया था और साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनाई थी। बेटा ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर अनिल कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अरुणा ईरानी, बेस्ट प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल और बेस्ट कोरियोग्राफी सरोज खान जैसे अवार्ड शामिल थे।